गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल गाइस आर फिट एंड फाइन। माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस, आई एम ऑडिबल, विजिबल, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? यस, नो, माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी नो। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, देन गाइस गिव मी अ बिग थम्स अप। वेरी गुड इवनिंग फैशल, ऐश्वर्या, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो गाइस? ओके, ग्रेट, फाइन, ए वी इज फाइन। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये प्लेसेस इन न्यूज का आज हम सेकेंड फाइन ठीक सेकेंड सेशन लेने वाले हैं। ओके, प्लेसेस ओके, या आज हम, सो ऑडियो इज फाइन, आई चेक इट। सो हम लोग गाइस इसका आज सेकेंड सेशन करने वाले हैं। ओके, सेशन इज गोइंग टू वेरी इंटरेक्टिव, वेरी इंटरेस्टिंग, हम लोग बहुत ही इंटरेक्ट करने वाले हैं। फाइन, माय डियर फ्रेंड्स, माय सेल्फ अजीत तिवारी, हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 इयर्स, एंड गाइस आई हैव मेंटर्ड मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। ओके गाइस, इस 15 साल में मैंने काफी ह्यूज एक्सपीरियंस गेन किया और वो अनुभव मैं आपके साथ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे साझा कर रहा हूं। ओके, एंड आई एम वेरी हैप्पी यू गाइस आर परफॉर्मिंग वेल, आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो। आज मॉर्निंग की स्पेशल क्लास की बात करूं, ओके, आगे मैं डिस्कस करूंगा आपसे। गाइस, अनकैडमी पे आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, आप जानते हो। ओके, and now it is going to be your one-stop solution. India's best educators are available on the platform. बहुत compact बात करेंगे. What to do? Guys, use code AJITLIFE for your all Unacademy's program. Very good evening, Mahima. ठीक, अगर आपने learning app download किया है तो number of sessions आपके लिए free हैं. So whether it is plus, iconic, for 24 months program, 36 months program or 12 month program, in all cases aapke paas code of discount, code of referral, code of dedication is Ajit Life. Very good evening Polami, how are you? Mere pyare bachcho, bahut hi important baat main aapko samjha dun. Agar aap apni preparation ko lekar sincere ho aur agar geography, environment आपका वीक फोर्टे है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल विद द वेरी ऑसम कंटेंट फॉर यू गाइस। मेरे प्यारे दोस्तों, जस्ट अभी मैंने कोर्स स्टार्ट किया है एंड दिस कोर्स इज GMS। आप इस क्रैश वाले नाम पे ना जाएं, ठीक, इट इज वेरी ऑसम क्योंकि डिजाइन इन सच ए मैनर। फाइन, नाउडेज माय डियर फ्रेंड्स, इन द फ्री क्लासेस आजकल हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी, क्लास 11 एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज फिजिकल ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। आज हमने सेशन वन किया है, टुमारो 4th मार्च 8:30 PM आपके लिए फ्री सेशन अवेलेबल है। आप मेरे प्रोफाइल पे जाएं या टेलीग्राम चैनल t.me/AJITLIFE को आप ज्वाइन कर लें। गाइस, नाउ 17K सब्सक्राइबर्स हुए हैं, हमें इसे जल्दी से ग्रो करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से फेक चैनल्स लोगों ने बना रखा है, आप उसके ट्रैप में ना फंसे। आपको यहां मेरी स्पेशल क्लासेस की लिंक मिल जाएगी। मैं बिल्कुल ठीक हूं, सुशांत स्वागत है आपका। मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर 24 मंथ के GS प्लस की बात करें, फी इज 72,000 और आपने कोड अप्लाई किया, इट बिकम 64,800, डिस्काउंट ऑफ 10%। सिमिलरली इन ऑप्शन ऑल्सो, GS प्लस ऑल्सो, आइकॉनिक ऑल्सो, ओके, इन ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल, फॉर 12 मंथ फी इज 27,500, डिस्काउंट के बाद 24,750। इस रेफरल कोड को आपको इस बॉक्स में अप्लाई करना है एंड लेट मी नो आफ्टर सब्सक्रिप्शन इज डन। ओके,
गाइस मैंने ऑप्शनल में 100 प्लस बुक्स कंपाइल कर दी हैं, प्लस आइकॉनिक इन ऑल केसेस आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइस। 7th मार्च को बिल्कुल फ्री अनकैडमी कॉम्बैट हो रहा है। व्हाट टू डू इसे एनरोल करने के लिए, अनलॉक करने के लिए आपको ये कोड अप्लाई करना है, दैट इज अजीत लाइव। इन ऑर्डर टू अनलॉक इट, मेरे प्यारे बालकों आइए सेशन को आगे बढ़ाए। कॉम्बो ऑफर भी अवेलेबल है आपके लिए, ठीक, प्लस जीएस ऑप्शनल, जीएस प्लस ऑप्शनल, प्लस जीएस आइकॉनिक ऑप्शनल, प्लस अगर आपके फैमिली में किसी के पास अगर क्रेडिट कार्ड भी है तो आपके पास नो कॉस्ट ईएमआई के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। नो कॉस्ट ईएमआई इज आल्सो अवेलेबल। सो गाइस व्हाट टू डू, अगर आप प्लस पे हैं, आप जानते हो कितना ऑसम कोर्स है, नहीं है यूज दिस कोड, आ जाएं और इसका बेहतरीन फायदा उठाएं, बिकॉज ये प्रोग्राम आपके लिए ही है गाइस। ऐसा नहीं कि आप कोई एग्जाम अपने बल पे निकाल नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हो आप, लेकिन अगर मेंटरशिप आपको मिल जाती है तो ये सफलता सरल हो जाती है, इट इज इजी टू क्रैक। और जितने लोगों ने ये कोड अप्लाई किया है, मैंने उनके साथ जबरदस्त हाई लेवल की गाइडेंस दी है, ठीक, जितने लोग प्लस कैंडिडेट से वो एग्री करेंगे मेरी बातों से। सो गाइस आइए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। हम लोकेशन इन न्यूज की सीरीज, मेरे प्यार दोस्तों इस चैनल पे 5 PM पे ऑन दिस चैनल क्या क्या चल रहा है, डोंट मिस दिस स्लॉट। एक, अगर किसी कारण से मिस हो जाए तो आप जरूर देखें, वी आर गोइंग थ्रू वन सीरीज ऑफ करेंट अपडेट्स। इसमें आपको मैं इंडियन ज्योग्राफी के करेंट अपडेट्स दे रहा हूं, चाहे वो एनर्जी की हो, एग्रीकल्चर की हो एंड सो ऑन, ठीक। उसी में आपको बीच बीच में लोकेशन की सीरीज भी मैंने स्टार्ट की है, एंड टुडे इज द सेशन 2, सेशन 1 आई हैव डन माय डियर फ्रेंड्स, ओके। जितने लोगों ने सेशन 1 नहीं किया, लोकेशन 1, वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके उसे देख सकते हो, ओके। सो गाइस बातों को आगे बढ़ाएंगे, दरवाजा मूव करेंगे, और आपके लिए मेरे पास पहला सवाल है प्लेसेस इन न्यूज की, ध्यान सुनना आप। आगरा लीगा आइलैंड, गाइस आगरा लीगा आइलैंड बहुत चर्चा में है, क्लियर। क्वेश्चन इज, गुड इवनिंग मोहित, ज्योति, ऑलवेज आप लोग आंसर करने का प्रयास करना, क्या आप वर्ल्ड के मैप में मॉरिशस को देख पा रहे हो, क्या आप मॉरिशस को विजुलाइज कर पा रहे हो, यस नो, क्या आप मॉरिशस को विजुलाइज कर पा रहे हो। क्वेश्चन इज, आखिर किन कारणों से आगरा लीगा आइलैंड चर्चा में है, ठीक। आइए इन सारी बातों को, आगरा लीगा प्रोजेक्ट में इंडिया ने क्या कमिट किया हुआ है, क्या हम करने वाले हैं, आखिर किस बात को लेकर अनीज है, वाई देयर इज अनईज रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, किस बात का खतरा, किस बात का डर लोगों को है, ठीक। क्वेश्चन इज, वाई दिस प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, ये इंडिया के लिए क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हो गाइस, जब भी मैं कोई टॉपिक लेकर आता हूं, देन आई एम गिविंग यू अल्टीमेट कंसेप्ट, आई एम गिविंग यू डिटेल एक्सप्लेनेशन, कोई शॉर्टकट की बात नहीं करता, बिकॉज उससे कोई बात नहीं बनने वाली है, ओके। आइए गाइस देखते हैं वन बाय वन, आगरा लीगा आइलैंड आपको दिख रहा है, क्वेश्चन इज ये आपको इसका नॉर्थ आइलैंड, ये आपको इसका साउथ आइलैंड दिख रहा है। 2015 में भारत में चर्चा में आया, ठीक, 2015 में भारत चर्चा में आया, क्योंकि
in 2015, India signed an agreement with Mauritius for development of Agaliga Island. मैप में लोकेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट. अगर मैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करूं, इट हैड प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप एंड अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंप्रूविंग सी एंड एयर कनेक्टिविटी. बात वर्ष 2015 की है. ठीक. इनहेंसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ मॉरिशियन डिफेंस फोर्सेस इन सेफ गार्डिंग देयर इंटरेस्ट इन आउटर आइलैंड. गाइज, जाहिर सी बात है, काफी प्रोटेस्ट हुए और ये आपको मेडागास्कर आइलैंड दिख रहा है. क्या दिख रहा है आपको? मेडागास्कर आइलैंड. फिर आपको ये मॉरिशस दिख रहा है, छोटा सा है ना, मिनिएचर मैप में आप देख रहे हो. इसी का आपके पास लार्ज मैप यहां पे दिख रहा है. ठीक. प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन कैपिटल ऑफ मॉरिशस. मॉरिशस का कैपिटल क्या है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं. गाइस, सिंस देन ये आपको स्पष्ट दिख रहा है, छोटा सा मॉरिशस. देयर हैव बीन ग्रोइंग रिपोर्ट ओवर इंडियन नेवल एंड कोस्ट गार्ड इंटरेस्ट इन सेटिंग अप ट्रांसपोर्टर सिस्टम सर्विलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका लोकल प्रोटेस्ट का काफी सामना करना पड़ा. बिल्कुल, पोर्ट लुइस इज द कैपिटल आपको दिख रहा है. सी पोर्ट लुइस का लोकेशन. ये आपको मॉरिशस और ये आपको इंडियन ओशन में अगालिगा आइलैंड इज विजिबल इन द मैप. आप यहां अगालिगा आइलैंड देख पा रहे हो. क्वेश्चन इज, अगर इस प्रोजेक्ट की बात करूं गाइस, द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ जेट्टी, रिबिल्डिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ रनवे, बिल्डिंग एन एयरपोर्ट टर्मिनल ऑन अगालिगा आइलैंड, जो कि मेन लैंड, ध्यान सुनना, जो कि मेन लैंड मॉरिशस के नॉर्थ में है. प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय इंडिया, $87 मिलियन प्रोजेक्ट फंडेड बाय इंडिया. यानी मेन मॉरिशस के नॉर्थ में, आइए जरा सटीक देखें, सी दिस मॉरिशस, नॉर्थ में आपको अगालिगा आइलैंड. 2015 नरेंद्र मोदी साहब ने जब विजिट किया था, मार्च 2015 में MOU वाज साइंड. इंडिया ने सहमति जताई थी कि लगभग वो $87 मिलियन की फंडिंग करेगा वहां पे एयरपोर्ट टर्मिनल, एक्सटेंड रनवे एंड रिफर्बिश जेटीज. इससे मॉरिशस के लोकल लोगों में थोड़ी सी अशांति पैदा हो गई. सी नॉर्थ आइलैंड, हियर इज रीफ, कोरल रीफ्स आर प्रेजेंट, रीजन इज रिच इन बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता की धनी है. आखिर भारत के लिए ये प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आप जानते हो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी, बहुत ध्यान सुनना, स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल, जो चाइना इंडियन ओशन में अपनी दखल बढ़ा रहा है, भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है. चाइना को काउंटर करने के लिए, अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को देखने के लिए, इट इज मस्ट फॉर इंडिया टू हैव अ लार्जर प्रेजेंस इन इंडियन ओशन रीजन. अगर मैं इंडियन ओशन के महत्व को आपको समझाऊं, तो भारत का 95%, जी हां 95% इंडिया का ट्रेड बाय वॉल्यूम, 68% ऑफ ट्रेड बाय वैल्यू इज बाय इंडियन ओशन.
सो इंडियन ओशन रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 80% ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट इज इंपोर्टेड बाय सी वाया इंडियन ओशन. तो कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है इस बात को आप समझ सकते हो. ठीक, क्या गाइस इन बातों को समझ पा रहे हो? हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. मैंने आपसे बताया कि भाई 95% इंडिया के ट्रेड बाई वॉल्यूम और 68% बाई वैल्यू कम्स बाय वाया इंडियन ओशन. और 80% ऑफ इंडिया क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट इज इंपोर्टेड बाई सी वाया द इंडियन ओशन. सो भारत के लिए प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन इज वेरी सिग्निफिकेंट, ताकि हम चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी को काउंटर कर पाए. है कि नहीं? चाइना की बढ़ती दखल से हम रूबरू हैं ही. वी आर फेमिलियर विथ चाइनाज पॉलिसी. गाइस एक टर्म आपके लिए है, जरा गेस करेगा है क्या? ये आपको एक खूबसूरत हिंद महासागर की एरियल इमेज आपको दिख रही है. मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान सुना, आपके लिए क्वेश्चन है. सागर SAGAR ऑल इन कैपिटल. ठीक, सागर का इस प्रोजेक्ट से कुछ लेना देना है क्या? क्वेश्चन इज सागर क्या है? गाइस बहुत ध्यान सुनना, सागर क्या है? आप बोलोगे सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. इस प्रोजेक्ट को एक इंडिया का एफर्ट देखा जा रहा है इन इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन नेबरहुड डेवलपमेंट एज अ पार्ट ऑफ सागर. ठीक, इंडिया का अपने नेबर्स के साथ कॉपरेशन बढ़ाने का एक प्रयास है. क्वेश्चन इज ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हमारे मालदीव्स के प्रोजेक्ट की स्टोरी आपको याद है. गाइस किसके पास एजम्पशन आइलैंड, नाम सुना है? एजम्पशन आइलैंड किसके पास है? हु इज हैविंग एजम्पशन आइलैंड? ए मालदीव्स, बी सेचिल्स, सी इंडोनेशिया, डी कैरेबियन. ए बी सी डी, ए बी सी डी, एजम्पशन आइलैंड किसके पास है? हु इज हैविंग एजम्पशन आइलैंड? ये प्रोजेक्ट जो चर्चा में इसलिए आया, काफी इसका प्रोटेस्ट हो रहा है. बात समझेंगे आखिर लोकलों में अशांति क्यों है. ठीक, और प्रोसेस प्रोटेस्ट का कई कारण कौन कौन से हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं. गाइस आपको मैपिंग में देखनी है चगोज आइलैंड. लिसन वेरी केयरफुली गाइस, आपको मैपिंग में देखनी है एजम्पशन. मैं आपसे कल बात करूंगा. एजम्पशन आइलैंड आपको मैपिंग में देखनी है, आपको मैपिंग में देखनी है चगोज आइलैंड, वेरी मच इन न्यूज. आपको ऑब्जर्व करना है मालदीव्स, आप विजुलाइज करो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा. आपको ऑब्जर्व करना है मॉरिशस, ये सब मैं आपको अभी अपने साथ सामने अपकमिंग पीपीटीज में आपको दिखाने वाला हूं. आप गाइस बिल्कुल निश्चिंत रहें. सो माय फ्रेंड्स, द रूट ऑफ इंडियन ओशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर कंट्री, क्योंकि हमने वॉल्यूम वाइज वैल्यू वाइज दोनों वाइज हमने इसकी सिग्निफिकेंस को बात आपसे करी है. क्लियर? द प्रोजेक्ट कैन बी सीन एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज एफर्ट कंट्रीब्यूट इन इट्स नेबर्स डेवलपमेंट स्टोरीज अंडर सागर. सागर स्टैंड फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, SAGAR. प्रोजेक्ट कैन बी सीन एज अ वे टू इंक्रीज कॉपरेशन बिटवीन
इंडिया एंड इट्स नेबर्स, आपस में बिल्कुल सही बता रहे हो आप। वेल डन अशोक, यू टू, ऐश्वर्या, अरंदिता, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। रामेश्वर, आप लोग गाइस बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो। आफ्टर फेसिंग रेजिस्टेंस ऑन इंडियाज प्रोजेक्ट इन मालदीव्स एंड ऑन एजम्पशन आइलैंड इन सेशेल्स, भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है टू सक्सेसफुली इंप्लीमेंट इट्स प्रोजेक्ट। दिस विल एनहेंस द कैपेबिलिटीज ऑफ मॉरिशस सिक्योरिटी फोर्सेस थ्रू अपग्रेडेशन इन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन कुछ उदाहरण हैं जिसके कारण ये लोग घबराए हुए हैं। ये हमारे मोदी साहब गए थे, ये इंडिया सेचलिस कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट की बात हो रही है, मार्च 2015। ठीक, डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ रिपब्लिक्स ऑफ सेचलिस। ओके, तो आपको लोकेशन में देखना है आखिर प्रोटेस्ट के कारण क्या है। मॉरिशस ऑपोजिशन हैज बीन रेजिंग कंसर्न रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी। उनकी नाराजगी ये है कि भाई आपने ईआईए, आपने एनवायरमेंट को नेगलेक्ट क्यों किया। व्हाई नो ईआईए क्लियरेंस इज टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट, व्हाई मॉरिशियन गवर्नमेंट हैज एग्जेम्प्टेड द प्रोजेक्ट फ्रॉम एनी एनवायरमेंटल लाइसेंस प्रोसेस, ईआईए क्लियरेंस, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट क्लियरेंस। माय फ्रेंड्स, ठीक, इस प्रोजेक्ट के साथ इंडियन की इन्वॉल्वमेंट के कॉस्ट को लेकर लोग चिंतित थे, क्योंकि इनके पास भविष्य में कुछ ऐसे उदाहरण थे। सी हाउ ब्यूटीफुल आइलैंड इज, क्वेश्चन इज, आप किसी क्षेत्र को ज्योग्राफी में आइलैंड तब बोलते हो जब कोई लैंड इज सराउंडेड बाई वाटर बॉडी फ्रॉम ऑल साइड्स, है ना। और आप एनवायरनमेंट में किसी भी एरिया को आइलैंड बोलते हो जब कोई गिवन एरिया अपने से हेट्रोजिनस और डिफरेंट एरिया से घिरी हो तो आप उसे आइलैंड बोलते हो। अगर एक फॉरेस्ट का पैच है और ये फॉरेस्ट का पैच चारों तरफ से क्रॉपलैंड से घिरा हो तो ये फॉरेस्ट का पैच इज आइलैंड। अगर कोई शहर चारों तरफ से जंगल से घिरा हो तो वो शहर भी एक आइलैंड है। एक बड़ी चर्चित थ्योरी है बायो ज्योग्राफी में, थ्योरी वॉज गिवेन बाय आर्थर एंड विल्सन। आर्थर और विल्सन ने यह सिद्धांत दिया था। ओके, आइए गाइस जरा बातों को और आगे बढ़ाते हैं। हैव अ लुक, ये आपको दिख रहा है मालदीव्स। यहां पे हम सफल बहुत नहीं हो पाए। आपको दिख रहा है चगोस आइलैंड, लोकेशन देख लो। यूके ने कैसे चगोस आइलैंड को स्प्लिट किया था, हिस्ट्री। आपको दिख रहा है सेचलिस, मॉरिशस, मेडागास्कर। क्या करेंगे, पॉलिटिकल मैप में इसे और क्लियरली समझेंगे। चगोस आइलैंड की कहानी से लोग मॉरिशस में घबराए हुए इसलिए थे, कहानी पास की है। ठीक, मॉरिशस के आजादी के पहले 1965 की बात हो रही है, बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ मॉरिशस, यूके ने क्या किया, यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया। ठीक, चागोस आइलैंड को मॉरिशस से स्प्लिट कर दिया,
यूके स्प्लिट चागोज आइलैंड फ्रॉम मॉरिशस और फोर्सफुली रिलोकेटिंग द इनहेबिटेंट्स, और यूएस को अलाउ किया, यूएस को, यूनाइटेड स्टेट्स को अलाउ किया टू बिल्ड अ मिलिट्री बेस इन डिएगो गार्सिया। अब ये आपको डिएगो गार्सिया की लोकेशन ध्यान में रखनी है, ठीक। एगलेगियन आइलैंड के लोगों को ऐसा ही कुछ डर है जितने मेजर पावर से लाइक फ्रांस, चाइना, यूएस, यूके, इन सब के नेवल बेसिस इंडियन ओशन में हैं। तो यहां के लोगों को डर है कि भाई उनकी जो पीसफुल जीवन है कहीं वो भी इन मिलिट्रियों के प्रभाव से प्रभावित ना हो जाए, मिलिटराइज ना हो जाए। इस बात का लोकल पीपुल के अंदर डर है और इस बात का उनका प्रोटेक्ट है। आइए इस बातों को और क्लियर करें। ये आपको एक ब्यूटीफुल इमेज चागोस आइलैंड की दिख रही है। चागोस आर्किपेलागो, ठीक। अगर मैं लोकल पीपल की बात करूं गाइस, सो 1965 बिफोर मॉरिशियन इंडिपेंडेंस, यूके स्प्लिट चागोस आइलैंड फ्रॉम मॉरिशस, फोर्सफुली रिलोकेटिंग द इनहेबिटेंट्स एंड अलाउिंग द यूएस टू बिल्ड अ मिलिट्री बेस ऑन डिएगो गार्सिया। एगलिगियंस को भी इस बात का डर है। मेजर मिलिट्री पावर्स लाइक फ्रांस, चाइना, यूएस, यूके, दे हैव नेवल बेसिस इन इंडियन ओशन, और उनको डर है कि उनकी पीसफुल जीवन इस आइलैंड की कहीं मिलिटराइज ना हो जाए। इस बात का हमें वहां के लोगों को काफी खतरा है, काफी डर है, ठीक। आइए इन बातों को और समझते हैं गाइस। अनलाइक मिलिट्री बेस रन बाय अदर कंट्रीज, आप जानते हो हम भारतीय सॉफ्ट हैं, सो इंडियन बेसेस आर सॉफ्ट बेस। सॉफ्ट बेस से यहां तात्पर्य यह है कि लोकल दे कैन मूव थ्रू एनी इंडियन मेड प्रोजेक्ट, सो लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा कंट्रोल मिल जाती है, उनकी सॉवरेंटी प्रभावित नहीं होती है। हम भारतीयों का दिल बड़ा है, आप जानते हो, ठीक। तो हमें और अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है, हमें और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ सोचना है, लोगों के मन से डर हटाना है ताकि अपने हम पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को इंडियन ओशन में और प्रभावी रूप से आगे बढ़ा पाए और चाइना की बढ़ती हुई डोमिनेंस को हम कंट्रोल कर पाए। ओके गाइस, गाइस ऑलवेज सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे दोस्तों के साथ खूब साझा करेंगे। गाइस एक मैं नाम ले रहा हूं, आप बताना कि ये फेमस क्यों है, व्हाई इट इज फेमस। GHAWAR, घावर। वही घावर इज फेमस, घावर मशहूर क्यों है, ठीक। ए फॉर ऑयल रिसोर्स, फॉर कोल फील्ड, फॉर न्यूक्लियर, फॉर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। ऑयल रिजर्व, रिसोर्स, कोल, न्यूक्लियर, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, ए बी सी डी। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं व्हाई इट इज फेमस। ऑलवेज जो आपको समझ में आए आप अपना आंसर देते जाएं, ठीक। दूसरा, आखिर ये ऑयल फील्ड है कहां पे, वेयर इज दिस ऑयल फील्ड, कौन सी कंट्री के पास ये ऑयल फील्ड है,
कौन सी प्रोविंस में, विच प्रोविंस ऑफ विच कंट्री, आखिर इसकी खोज कब हुई, आखिर इसकी खोज कब हुई। क्लियर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप लोग दे रहे हो। यू टू अनिता, ऐश्वर्या, रामेश्वर, मोहित, वेल डन, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप दे रहे हो। सो गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। घावर की लोकेशन, फील्ड की आप लोकेशन देख पा रहे हो, ये आपको दिख रहा है सऊदी अरेबिया, ये आपको दिख रहा है अरेबियन पर्शियन गल्फ, कतर। बहुत ध्यान से सुनना, हैव लुक ऑन स्क्रीन गाइस। अगर मैं घावर की बात करूं, साउथ वेस्ट ऑफ दहरान, साउथ वेस्ट ऑफ दहरान इन द अल हासा प्रोविंस, क्या हम इस मैप में लोकेट कर पाएंगे? ठीक, आपको ढूंढना है। मैंने आपको पीछे एक रफ इसलिए दिखाया था, डिस्कवर्ड इन 1948 एंड ब्रॉट ऑन स्ट्रीम इन 1951। ये वर्ल्ड का, ओ माय गॉड, वर्ल्ड का बिगेस्ट कन्वेंशनल कन्वेंशनल ऑयल फील्ड है। आखिर रिजर्व में कि प्रोडक्शन में, दोनों, बोथ इन द केस ऑफ ऑयल रिजर्व एज वेल एज इन द केस ऑफ ऑयल प्रोडक्शन, रिजर्व और प्रोडक्शन दोनों के हिसाब से। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन माय फ्रेंड्स। घावर ऑयल फील्ड, इट इज ओन्ड, ऑपरेटेड बाय स्टेट ओन्ड सऊदी अरामको, लोकेटेड 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ दहरान इन अल हासा प्रोविंस ऑफ सऊदी अरेबिया। वर्ल्ड बिगेस्ट कन्वेंशनल ऑयल फील्ड, बोथ बाय ऑयल रिजर्व एंड प्रोडक्शन, डिस्कवर्ड इन 1948 और करेंटली होल्ड्स मोर देन क्वार्टर ऑफ सऊदी अरेबिया टोटल प्रूवन ऑयल रिजर्व एंड अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ कंट्रीज ऑयल आउटपुट। ओ माय गॉड, आप इसे देख पा रहे हो। ठीक, सो माय फ्रेंड्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए आप, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट ओन्ड सऊदी अरामको, द घावर फील्ड प्रोड्यूसेस अरेबियन लाइट क्रूड ऑयल एंड कंटिन्यूज टू अंडरगो डेवलपमेंट ऑफ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड एक्सटेंडेड लाइफ। हमें इन बातों को और समझने की जरूरत है। रिजर्वर कितना बड़ा है, 280 किलोमीटर लॉन्ग, 40 किलोमीटर वाइड एंड अंडरलाइंग 1.3 मिलियन एकर्स, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्वर है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ एम्प्टी क्वार्टर डेजर्ट अलोंग वेस्टर्न गल्फ कोस्ट, ठीक, इतना ही आपके लिए काफी है। सो ऐसा ही आपको लोकेशन साफ साफ दिख रहा है फील्ड का। फील्ड वाज एस्टिमेटेड टू कंटेन प्रूव्ड रिजर्व टोटलिंग 58.32 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। ओ माय गॉड, ये आपको दिख रहा है ना। आइए इन बातों को गाइस और आगे बढ़ाएं और मुस्कुराते हुए समझें। आप सारे इमेजेस को ध्यान से देखें, ठीक है, इतना काफी है। इसके जो डिटेल में कौन कौन से एरियाज हैं, क्या क्या है, इतना आपको नहीं जानना है। ठीक, इतनी बात आप याद रखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे मुस्कुराते हुए। ठीक,
टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी इस्तेमाल हो रही है? शुरू में क्या था, गैस इंजेक्शन वाज इंट्रोड्यूस इन 58, वाटर इन 1964 टू प्रोवाइड एडिशनल प्रेशर सपोर्ट, है ना। द फर्स्ट करंट एक्सटेंसिव इंजेक्शन सिस्टम यूटिलाइजेस वाटर पंप वाया अ पाइपलाइन, ठीक, कहां से भाई, ये आपको दिख रहा है, सी वाटर ट्रीटमेंट प्लान विच प्रोसेस अबाउट 7 मिलियन बैरल्स ऑफ पर्शियन गल्फ सी वाटर पर डे, ठीक। आखिर आजकल ये वापस चर्चा में क्यों है, बात करेंगे। ये देखिए आप, रिसेंट डेवलपमेंट, मोर देन 3,000 इंजेक्टर्स एंड ऑयल प्रोड्यूसर्स वेल एक्सक्लूडिंग द गैस वेल, हेलिबर्टन वॉज अवार्डेड 5-year ऑयल फील्ड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बाई सऊदी अरेमको इन 2009 नवंबर। और जाहिर सी बात है, ये देखो आप, सऊदी अरेमको डेवलप्ड कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज प्रोजेक्ट आज की चर्चा में क्यों है, एट घावर विथ एन एम टू डेमोन्स्ट्रेट एनहेंस्ड ऑयल रिकवरी एट द फील्ड थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्शन। गाइस, आपको कार्बन कैप्चर स्टोरेज याद है? यस नो, कैसे हमने CO2 को इंजेक्ट किया था इन जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कोल पेट्रोलियम ऑयल रिजर्व्स की हम कार्बन कंटेंट को इंक्रीज करने की बात कर रहे थे। अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस वाज पंप्ड फ्रॉम हाविया एंड उस्मानिया गैस प्रोसेसिंग प्लांट अ डे एज अ पार्ट ऑफ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज प्रोजेक्ट। एक, इतनी बात ठीक है और आगे बढ़ने की जरूरत है। तो आप समझ जाओगे कि ये न्यूज में क्यों था। गाइस, जैसे ही न्यूज में था, आजकल लिटिल अंडमान इज वेरी मच इन न्यूज। हमने अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़ा था, याद करिए। सवाल यह बनता है कि यह लिटिल अंडमान क्यों हाल ही में चर्चा में है। क्वेश्चन इज ये लिटिल अंडमान चर्चा में इसलिए है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहां पे कोरल्स की मैसिव डिस्ट्रक्शन हो रही है। बी, मैंग्रोव्स का रीस्टोरेशन हो रहा है। सी, यहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कुछ प्लान चल रहा है। डी, नई स्पीशीज यहां पे डिस्कवर हुई हैं। ऐसी ही बात यूपीएससी आपसे कर लेती है। रिसेंटली लिटिल अंडमान वाज इन न्यूज, ए, बिकॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग, बी, मैंग्रोव रीस्टोरेशन, सी, सम प्रोजेक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीसीज। हरी अप गाइस, जल्दी से आप आंसर करें। वेल डन ऐश्वर्या, आप बिल्कुल, महिमा बिल्कुल आप सही जवाब दे रही हैं। ऐश्वर्या, महिमा, रामेश्वर,
गाइस देखिए आप, क्या आपको नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, लिटिल अंडमान, कार निकोबार ये सब याद आ रहा है मैप में? देखिए गाइस, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, ये आपको दिख रहा है लिटिल अंडमान, और बगल में दिख रहा है आपको नीति आयोग का बोर्ड। नीति आयोग ने हाल ही में एक प्लान रिलीज किया है फॉर लिटिल अंडमान। प्लान इज नेम्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड विजन डॉक्यूमेंट। नीति आयोग हैज रिसेंटली रिलीज इट्स प्लान फॉर लिटिल अंडमान, नेम्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड विजन डॉक्यूमेंट। इट हैज बीन प्लान फॉर इट्स सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार। छोटा सा आइलैंड है, 680 स्क्वायर किलोमीटर फ्रेगाइल आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। याद आया? बिल्कुल गाइस, मैं आपको एक एक पॉइंट याद करा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, बस मेरे साथ बने रहें। गाइस, बहसन चार आइलैंड, बहसन चार आइलैंड वाज वेरी मच इन न्यूज। क्या इस आइलैंड को आप मैप में विजुलाइज कर पा रहे हो? क्या आप इस आइलैंड को मैप में विजुलाइज कर पा रहे हो? बहसन चार आइलैंड, देखिए गाइस, ये आइलैंड चर्चा में इसलिए आया क्योंकि बांग्लादेश के अथॉरिटियों ने लगभग 1750 1800 रोहिंग्या मुस्लिम्स को मूव कराया इन दिस कॉन्ट्रोवर्शियल आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल रीजन में स्थित है, ठीक, जिसका काफी विरोध हुआ। आइए इन बातों को देखते हैं। ये देखिए, आइलैंड मींस लैंड, ज्योग्राफी में लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। ये आपको दिख रहा है बांग्लादेश, ढाका, बे ऑफ बंगाल, बहसन चार आइलैंड। आप मैप में लोकेट कर लोगे, यस नो। आइलैंड को आप चार पिया भी बोलते हो, चार पिया, चार पिया, CHAR लोकल लैंग्वेज में PIYA, चार पिया। अगर चार पिया आइलैंड पूछते तो आप परेशान होने के बजाय यही ऑप्ट करोगे। द बांग्लादेश अथॉरिटीज रिसेंटली मूव्ड अराउंड 1750 रोहिंग्या मुस्लिम्स टू कॉन्ट्रोवर्शियल आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल कॉल बहसन चार आइलैंड। इस मूव को ऑलरेडी जो रिफ्यूजीज वहां रह रहे थे उन्होंने विरोध किया, इसे आप चारपिया आइलैंड भी बोलते हो, ठीक। बड़ा खूबसूरत सा आइलैंड है, क्या आप इस आइलैंड को देखना चाहोगे? क्या आप इस आइलैंड को देखना चाहोगे गाइस? आइए देखिए आप, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, कितना खूबसूरत आइलैंड है। देखो आप, अब ये मत बोलना कि गुरुजी ले चलिए, ये मत बोलना कि गुरुजी ले चलिए, आप यहीं से देखो और आपको पसंद आए तो एक थम्सअप दे दो। बिल्कुल आपके आंखों का सुकून, बिल्कुल आपके आंखों का सुकून, ठीक। आइए जरा कुछ भीड़ भाड़ इलाके की तरफ आते हैं।
ये आपने बहसन चार आइलैंड का झमाझम नॉलेज के बारे में पढ़ाई कर ली, ठीक। वर्ल्ड का ला गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक लोकेशन का नाम लिखता हूं, ये देखिए आप, चौरी चौरा आपने हिस्ट्री में पढ़ा है। हाल ही में इन द मंथ ऑफ फेब मोदी साहब चौरी चौरा में कुछ इन्होंने वर्चुअल इनॉग्रेशन किया। ये चौरी चौरा किस राज्य में है, इन विच स्टेट इट इज, ये किस राज्य में है। अगर मुझे आपसे गलती करानी होती, अगर मुझे आपसे गलती करानी होती तो मैं सवाल कुछ ऐसे पूछता, अगर मुझे आपसे कुछ गलती करानी होती तो मैं आपसे सवाल कुछ ऐसे पूछता। ध्यान सुना गाइस, ध्यान सुना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी योगी आदित्यनाथ रिसेंटली इनॉग्रेटेड चौरी चौरा सेनिटरी सेलिब्रेशन ऑन 4th फेब 2021। ठीक। सेकेंड, ही ऑल्सो रिलीज अ पोस्टल स्टैंप दैट विल बी डेडिकेटेड टू सेनिटरी ईयर। लोग खूब झमाझम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सेलेक्ट द करेक्ट कोड। जाहिर सी बात है दोनों स्टेटमेंट गलत है, दोनों योगी के बजाय पीएम मोदी ने किया। गाइस गौर फरमाए, सो पीएम मोदी 4 फेब 2021 वर्चुअली इनॉग्रेशन हेल्ड इन उत्तर प्रदेश, क्यों भाई, पोस्टल स्टैम्प डेडिकेटेड टू सेनेटरी ईयर, यही की वर्ड से, यही आपको याद रखना है। ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित, आप लोकेशन मैप में देखें, चौरी चौरा इतिहास के कुछ मशहूर चंपारण, अहमदाबाद, दांडी, खेड़ा, अमृतसर, कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। आप इस पे झमाझम गौर फरमाएं। क्लियर गाइस, आगे बढ़ूं। गाइस अगर आप लोग के लिए सीरीज बेनिफिशियल हो रहा हो तो मैं इसकी और एडिशंस लेकर आऊं, बिकॉज आई एम वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस। मैं चाहता हूं कि आपको फायदा हो, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि बेनिफिशियल है, यस बेनिफिशियल, नॉट बेनिफिशियल तो लिख दे नॉट बेनिफिशियल। चलिए गाइस, माउंट मेरापी, वापस माउंट मेरापी चर्चा में आया। क्वेश्चन इज, ये है क्या? ए, ये एक रेजिडुअल माउंटेन है। बी, इट इज एक्टिव वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो ऑफ कैरेबियन। सी, एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडोनेशिया। डी, एक्टिव वॉल्केनो, ऑनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ म्यांमार, ऑनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ म्यांमार। बिल्कुल गाइस, वेल डन, बहुत सटीक आप लोग जवाब दे रहे हो, वेल डन।
ये देखिए गाइस, आपको लोकेशन 13 फरवरी 2021 को फिर यहां ऐसी हरकत, झमाझम ज्वालामुखी हुई। मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडोनेशिया, और जब यहां पे हाल ही में इरप्शन हुई दोस्तों, पूरा रिवर ऑफ लावा एंड शेयरिंग गैस क्लाउड्स, ये एक फायर माउंटेन है इन इंडोनेशिया। कहां स्थित है? ऑन बॉर्डर ऑफ सेंट्रल जावा एंड योग्यकार्ता प्रोविंस ऑफ इंडोनेशिया, वहां ये स्थित है। गाइस, जरा कमेंट सेक्शन में कुछ रिकैप की बातें मुझे आप बताएं, कुछ रिकैप की बातें मुझे आप बताएं। ठीक, अगालिगा आइलैंड कहां पे है? वेयर इज अगालिगा आइलैंड? हरी अप गाइस, हरी अप। वेयर इज अगालिगा आइलैंड? तब तक आप उसे आंसर करें। ठीक, देखिए आप, द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडोनेशिया माउंट मेरापी। कैसा वॉल्केनो? इस एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो, रिवर ऑफ लावा एंड शेयरिंग गैस क्लाउड, फायर माउंटेन इन इंडोनेशिया एंड जावा, सेंट्रल जावा एंड योग्यकार्ता प्रोविंस ऑफ इंडोनेशिया। बिल्कुल गाइस, आइए जरा मुस्कुराते हुए और आगे बढ़ते हैं। कितनी बार गाइस, जो नाम होता है वो होता है नहीं। ठीक, कई बार नाम के अनुकूल होता है, कई बार प्रतिकूल होता है। अभी हमने बसन चार आइलैंड देखा, अभी हमने बसन चार आइलैंड देखा। इस आइलैंड का हमने और नाम लिया, ऑल्सो कॉल्ड एज डैश पिया। कौन सी पिया? डैश पिया, कौन सी पिया? अभी आपने बसन चार आइलैंड को कहा आपने ऑल्सो कॉल्ड एज डैश पिया। वही बगल की बात हो रही है, सुंदरबन। आप जानते हो चार पिया, सुंदरबन भारत के पास भी है, बांग्लादेश के पास भी है। गाइस, वहीं पे एक आइलैंड है सुंदरबन के माउथ में। दिस आइलैंड इज नो मोर, डूब चुका है। हमारा और बांग्लादेश का मनमुटाव चल रहा था और यह आइलैंड डूब चुका है। प्लीज नेम द आइलैंड, कौन सा आइलैंड है? इट इज न्यू मूर आइलैंड। आपको एटलस में दिख जाएगा, न्यू मूर आइलैंड इज नो मोर, मूर नो मोर, याद रहेगा। ऐसे ट्रिक्स आपको हेल्प करेंगी याद रखने में। सुंदरबन किन कारणों से चर्चा में है? ये देखो आप, ये आपको भारतीय और बांग्लादेशी सुंदरबन दिख रहा है। व्हाई सुंदरबन इज इन न्यूज गाइस? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI, क्या आप मुझे बता सकते हो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? अभी हाल ही में इसने पब्लिश किया, हाल ही में इसने पब्लिश किया। क्वेश्चन इज, क्या पब्लिश किया? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर कोलकाता में है। पब्लिश्ड बर्ड्स ऑफ द सुंदरबन बायोस्फेयर रिजर्व, जिसमें इसने बताया कि भाई जो भारतीय सुंदरबन है, 428 जातियों का, स्पीसीज ऑफ बर्ड्स का होम है। आप जानते हो सुंदरबन इज रिच इन मैंग्रोव, यहां मिलती सुंदरियां हैं,
मैंग्रोव कहां पे डेल्टा फॉर्म्ड बाय रिवर्स गैंजेस गंगा ब्रह्मपुत्रा एंड मेघना इन द बे ऑफ बंगाल। क्या गाइस हम इतनी बात समझ पा रहे हैं? यस नो। दोस्तों अभी हाल ही में आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में था एक्सरसाइज कवच। क्वेश्चन इज ये एक्सरसाइज कवच किसके बीच हुआ और कहां हुआ? एक्सरसाइज कवच किसके बीच हुआ और कहां हुआ? देखिए ध्यान से, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन गाइस। आपको स्पष्ट दिख रहा है अंडमान सी, ठीक। आपने बे ऑफ बंगाल को देखा है। इंडियन आर्मी लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच इन अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल। अंडमान निकोबार कमांड के अंतर्गत जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच विल इन्वॉल्व इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। है ना मजे की बात? पूरी आप इंडियन ओशन में अपनी एक धमाका दिखा रहे हो। यहीं से अगर यूपीएससी को आपसे गलती करानी है, ठीक, तो आपसे वो कैसे ऑप्शंस देगी? एक्सरसाइज कवच वाज रिसेंटली हेल्ड इन, या कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सरसाइज कवच। ठीक, फर्स्ट पॉइंट, इट वाज हेल्ड इन अरेबियन सी बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस। सेकेंड पॉइंट, इट्स टारगेट इज टू प्रोटेक्ट इंडियन टेरिटरी फ्रॉम चाइनीज एग्रेशन, क्योंकि नाम कवच है। थर्ड पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स एक्सटेंडेड कॉपरेशन ऑफ ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। है ना कितने फालतू फालतू के ऑप्शंस? हमें आइए इन बातों को और मुस्कुराते हुए, ठीक, और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ाते हैं। ये बात जनवरी 2021 की है। लार्जेस्ट स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच इंक्लूडिंग इंडियन आर्मी, ठीक, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड इन अंडमान एंड निकोबार कमांड। याद रहेगा गाइस, रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट खूब झमाझम चर्चा में था। आपके लिए कुछ सवाल मैं लेकर आया हूं। पहला, ये प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे है, कौन से स्टेट या यूटी पे है, ठीक, और ये प्रोजेक्ट किसके बीच ये एक जॉइंट वेंचर है। अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने 850 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है और इसी कारण ये चर्चा में आया, रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसी कारण ये चर्चा में आया। मेरे प्यारे बालकों, ये देखो आप झमाझम, आपको 850 मेगावाट का रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चेनाब नदी में जम्मू कश्मीर में आपको दिख रहा है। चेनाब नदी में ये झमाझम खूबसूरत चेनाब दिख रहा है आपको। चेनाब नदी में जम्मू कश्मीर में आपको दिख रहा है। मोर देन 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, ठीक, जॉइंट वेंचर ऑफ, देखिए आप, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ 850 मेगावाट।
इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 5,000 crores ऑन रिवर चेनाब ज्वाइंट वेंचर ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, इन दोनों का ज्वाइंट कॉरपोरेशन है, ज्वाइंट ऑपरेशन है। गाइस, कुछ सवाल और आपके लिए बचे हैं, आइए जरा मैं आपको बता दूं। हाल ही में चर्चा में है माउंट त्रिशूल, रिसेंटली माउंट त्रिशूल इज इन न्यूज, ये चर्चा में क्यों है, व्हाई दिस इज इन न्यूज, ये चर्चा में क्यों है। देखिए, ये आपको उत्तराखंड में माउंट त्रिशूल दिख रहा है, आपको लोकेशन देखना है मैप में। चर्चा में इसलिए है कि द इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन ने अप्रूव किया है 3-member team ऑफ माउंटेनियर्स लेड बाय अर्जुन वाजपेयी फॉर विंटर क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन टू माउंट त्रिशूल। क्लियर, आगे बढ़े, यस और नो। कौन सी माउंटेन पीक वर्ल्ड की मोस्ट स्टीपेस्ट है, मोस्ट स्टीपेस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी में बताया था। महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली इट वॉज इन न्यूज, क्वेश्चन इज व्हाई इट वॉज इन न्यूज। यहां पे एक ऑर्गेनाइज हुआ था बर्ड फेस्टिवल, ठीक। क्वेश्चन इज कहां पे, कौन सा राज्य, विच स्टेट, ए वेस्ट बंगाल, बी उड़ीसा, सी तेलंगाना, डी केरला, विच स्टेट, ए बी सी डी, विच स्टेट, ए बी सी डी, कौन सा राज्य, ए बी सी डी, विच स्टेट, ए बी सी डी। ठीक, सो गाइस, इट इज इन महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल। द फेस्टिवल इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय दार्जिलिंग वाइल्ड लाइफ डिवीजन। महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन आइडेंटिफाइड एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। सो गाइस, आप लोग खूब इस तरह मेहनत करते रहे। अगर अभी तक आपने मुझे अनकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर लेंगे unacademy.com/@ajitlife, लिंक ऑफ माय टेलीग्राम चैनल t.me/ajitlife, आप इसे जरूर ज्वाइन कर लें। बहुत सारे लोगों ने फेक बनाया हुआ है, इसमें 17,200 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक्स फॉर दैट। माय डियर फ्रेंड्स, टुमारो 8:30 AM, ध्यान सुनिएगा, कल 8:30 बजे क्लास 11 NCERT का जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली है उसके chapter 1, chapter 2 और chapter 3 की 8:30 AM पे अनकैडमी के लर्निंग ऐप पे या लैपटॉप से भी कर सकते हो आप, आपके लिए बिल्कुल फ्री लाइव क्लास है, लिंक ऑलरेडी क्रिएटेड है। गाइस, मुझे आप बताना कि क्या आपको टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने आपको लिंक दिया है उसमें इस सेशन का लिंक आपको दिख रहा है। गाइस, एमसीक्यू सीरीज ऑन एनसीईआरटी क्लास 10, बाद में लोग परेशान रहते हैं सर नहीं मिला, प्लीज चेक एंड कंफर्म, मैंने दोबारा रीशेयर कर दिया,
मार्च 8:30 AM, जल्दी से मुझे आप देखकर बताएं गाइस, हरी अप। कल 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी लोकेशन इन न्यूज पार्ट 3 को लेकर। लोकेशन इन न्यूज पार्ट 3 को लेकर आपसे कल फिर 5 बजे मुलाकात होगी। आप ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताएं ताकि हम लोग सेशन को और इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव बना पाए। गाइस, प्रीलिम्स में आपको स्ट्रेट क्वेश्चंस मिलेंगे, इतना मेरा प्रयास चल रहा है कि आपको जितने मैपिंग लोकेशंस वाली चीजें आती हैं वो आप कर पाए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मिल गया, वेल डन। जिन लोगों को नहीं मिला आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें और बताएं कि आपको मिला नहीं मिला। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल पर कल आपसे मुलाकात होगी 5 बजे। जितने मेंबर्स प्लस पे हैं, सी यू ऑल एट 8 PM। जबरदस्त झमाझम सेशन रात के 8 बजे। प्लस मेंबर्स पे, जो प्लस पे नहीं है, आप ज्वाइन करें, अजीत लाइव कोड यूज करें और अपनी प्रिपरेशन को शार्पन करें। और जो नहीं है, तब तक आप कल मॉर्निंग में भी 8:30 AM की फ्री क्लास को जरूर ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, यू, बाय बाय, थैंक यू।